शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बी न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के चलते माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से प्रभाग नौ में भोजनदान का कार्यक्रम दक्षिण के विधायक मोहन मते के मार्गदर्शन में किया जा रहा है प्रतिदिन राम भाव मालगी नगर स्कूल के सैकड़ों परिवार इस भोजन दान का लाभ उठा रहे हैं चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया इसमें भारत देश भी अछूता नहीं रहा भारत देश में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दी दस्तक इतने बड़े पैमाने पे दी कि मुंबई नागपुर और कई राज्यों के शहरों को अपनी चपेट में ले लिया यदि हम नागपुर की बात करें तो अब तक नागपुर में 280 पॉजिटिव कोरोना मरीज पाए गए हैं जिनकी जांच अभी भी चल रही है तो वहीं 70 मरीज निगेटिव भी पाए गए हैं तो वहीं तीन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है नागपुर को हॉटस्पॉट करार दिया गया ऐसे में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं कुछ बेसहारा और जरूरतमंद इनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है इस बात को ध्यान में रखते हुए माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से विधायक मोहन मते के मार्गदर्शन में दक्षिण नागपुर के नौ प्रभागों के नागरिकों के लिए पिछले 21 मार्च से भोजन दान किया जा रहा है राम भव मालकी नगर स्कूल में यह आयोजन किया जा रहा है इसके लिए पार्षद स्वाति अखतकर प्रीति राजदेरकर शिवनाथ बंसोड़ सुनील मानेकर संजय वांडरे आदि सहयोग कर रहे हैं दिन रात इस काम के लिए कई कार्यकर्ता भी इस काम पर जुट चुके हैं गरीबों को बेसहारा और ज़रूरतमंदों को समय समय पर खाना देने का काम इस भोजनदान के माध्यम से माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से किया जा रहा है इस बारे में माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान के तमाम कार्यकर्ताओं ने इन विषय समक्ष जानकारी दी लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में ऐसे में शहर के कुछ बेसहारा और जरूरतमंद लोग हैं जिनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है ऐसे में शहर के कुछ संस्थाएं अच्छा काम कर रही है किसी को अनाज किट का वितरण किया जा रहा है तो कहीं अनाज यानी खाना खिलाया जा रहा है इसी श्रृंखला में इस समय में हम मालगी नगर में आए हुए हैं जहाँ पे मोहन मते के लोक सेवा माध्यम की ओर से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है दिन रात खाना खिलाया जा रहा है आप देख सेक्टर के तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब तक कितने लोगों ने खाना खाया और क्या और भी लोगों के लिए करना चाहते हैं लॉकडाउन को लेकर सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जैसी बस्ती के कुछ लोग थे जो बाहर गाँव के फंसे हुए लोग थे उनके लिए हम लोगों ने किट्स का वितरण किया उनको अनाज पानी बाद में ध्यान में ऐसा आया कि उसमें कुछ लोग जो थे वो बाहर गांव जाने की वजह से कुछ लोग किराएदार यहाँ पे फंसे हुए हैं अनेक लोगों की समस्या है जिनके घर में फिर किसी के घर में हमने किट देने के बाद में यह ध्यान में आया हमारे कि उनके घर में राशन का तो व्यवस्था कर दिया लेकिन सिलेंडर नहीं है और वो फिर खाना कहाँ से पकाएंगे फिर वो ये दिखते हुए माननीय आमदार मोहन बाबू मते इनके माध्यम से लोक सेवा प्रतिष्ठान और मोहन मते मित्र परिवार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि अपन अपने दक्षिण नागपुर के अंदर में नवीं प्रभागों में ये अन्न का उसके उसके ये होगा कि अनेक लोगों को जो खाना है वो मिलते रहेगा मान्य मोहनजी मते यांच्याकडून नवही प्रभागामध्ये जवळपास दहा एक हजार लोकांचं कम्युनिटी किचन एक आम्ही तयार केलेलं आहे त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण नगरसेवक आणि भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पदाधिकारी हे अहोरात्र मेहनत करून या किचनचं चा एक चांगल्या प्रकारे उद्दिष्ट असं ज्यांना खरंच गरज आहे जे लोक दहा वाजतापासून लाईनीत लागतात त्यांना गरज आहे म्हणून ते लाईनीत लागतात आणि त्यांना चांगल्या प्रकारचं चा अन्न पुरवण्याचं काम हे मान्य मोहनजी मते करत आहे त्यांचे मी माझ्या पार्टीतर्फे आणि संपूर्ण कार्यकर्त्यांतर्फे खूप खूप अभिनंदन करतो धन्यवाद दक्षिण नागपूरचे लोकप्रिय आमदार माननीय मोहन भाऊ मते यांच्या माध्यमातून गेल्या एकवीस दिवसापासनं जेवणाची व्यवस्था दक्षिण नागपूरच्या सर्व प्रभागामध्ये होत आहे या प्रभागामध्ये देखील रोज आठशे लोकांचं जेवण त्यांच्या माध्यमातून येत आहे लोक देखील रांगेमध्ये उन्हात उभे राहून जेवणा जेवण घेत आहे आपल्या दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन भाऊमते यांचे मी मनापासून खूप खूप आभार मानते पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी अंत्योदया मार्ग संगित मार्ग ने चालत मोहन भवन मध्यम सर्वसामान्य जनते की सेवा होता है मनापासन खूब खूब आभार मानते तो दर्शकों देखा आपने कि लॉकडाउन के चलते जो बेसारा जरूरतमंद लोग हैं जिनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है ऐसे नौ प्रभागों के लोगों को खाना खिलाना कोई मजाक बात नहीं है लेकिन ऐसे में भी इस शहर के विधायक मोहन मती जिस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो तारीफ़ काबिल है ऐसे मैं कुछ कहना चाहूँगा लॉकडाउन का पालन करें ये भी लोगों को मैं एक बताना चाहूँगा क्योंकि शहर की जिस प्रकार से जो कोरोना मरीज़ों की पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन बढ़ रही है और कोरोना जब दस्तक देता है तो किसी जात पद धर्म या किसी वर्ण को दे नहीं आता है। जब वो दस्तक देता है तो सीधे दस्तक देता है अब तक के उसने नागपुर शहर में ऐसी दस्तक दी है जिसके चलते तीन लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है लोग खुद को संभाले संवारे और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ख्याल रखना चाहिए और जिस प्रकार से लॉकडाउन में लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद भी करना चाहिए लेकिन बशर्ते अपने घरों में रह के भी ये काम कर सकते हैं नागपुर के नगर चौक से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मुरे इन न्यूज नागपुर